एवरीबडी सेड एक्सपल्स कैसी है हाईवे पे, लॉन्ग राइड कैसे कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोना बी डूइंग 700 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप. गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली. सो अभी तक का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा, और आज वैसे तो मेरा प्लान था जयपुर जाने का, लेकिन देन आई लुक्ड एट द वेदर रिजल्ट्स एंड वो कुछ अच्छे नहीं है. काफ़ी गर्मी पड़ रही है जयपुर में. आज अगर हुआ तो वी कैन डू 700 किलोमीटर्स, नहीं हुआ तो कहीं बीच में रुक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है. वेलकम टू द चैनल गाइस, आई एम यासिर विद मोटर जूमर. आई होप यू गाइस आर ऑसम एज ऑलवेज. एंड अगर अभी तक आपने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो फिर जाइए और क्या करें, व्लॉग्स देखिए. इस बार ज़्यादा दिल्ली नहीं दिखा रहा मैं आपको, क्योंकि दिल्ली आपको पता है बहुत देख चुके हैं लोग. सो अब चलते हैं और आपसे सीधे मिलता हूँ बाइक पे. अब यहाँ से भोपाल है पूरे 700 किलोमीटर. मैंने टैंक फुल करा लिया था कल, तो 501 टैंक और 201 टैंक, मतलब कि 700 किलोमीटर में मुझे भोपाल पहुँचना है. अब कैसे पहुँचना है वो तो अल्लाह जाने, बट ट्राई करने में क्या जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं. आपको पता है आपका भाई ज़्यादा स्टॉप लेता नहीं है. सो अभी कहानी है कि जयपुर या राजस्थान साइड में जा तो सकता हूं, बट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट कोविड गाइडलाइंस राजस्थान में, स्पेशली जयपुर में लग गई है धारा 144, और अगर मैं गया भी तो इट वॉन्ट बी रियली हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि बाकी जगह तो घूम नहीं पाऊँगा. मुझे पता है कि नाइट कर्फ्यू काफ़ी स्ट्रिक्ट है जयपुर में. आई हैव टॉक टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स. सो जयपुर जाना इज रिलेटिवली मीनिंगलेस. आगे कुछ बच्चे हैं गाड़ी में, बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है. I can finally start over, yeah. हमने कवर कर लिए लगभग 90 किलोमीटर, 610 किलोमीटर बचा हुआ है भोपाल यहाँ से. सो मथुरा आ गया है, एंड यहाँ से आगरा इज़ अनदर 28 किलोमीटर्स. वी हैव डन 136 किलोमीटर्स टिल नाउ. अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 9:23. हम शायद से 7:30 निकले थे, तो लगभग 130 किलोमीटर, नॉट बैड एट ऑल. एक्सपल्स इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सीट इज़ अ बिट हार्ड, नो डाउट, बट लॉन्ग जर्नी में इट्स बेटर टू हैव द सीट ऑन अ बिट हार्ड साइड एज़ पर माई ओपिनियन, क्योंकि सॉफ्टर सीट ना थोड़ी देर के बाद चुभने लगती है. हार्ड सीट में चुभता तो नहीं है, बट आपको थोड़े थोड़े दर्द होगा, बट थोड़ी देर बाद आपको अपना पिछवाड़े फील होना बंद हो जाएगा, तो कहानी सब बराबर हो जाती है. ये अपन चढ़ गए ग्वालियर वाले रोड पे, क्योंकि हमें आगरा से बाईपास लेना था, तो हमने बाईपास ले लिया आगरा से. वी हैव डन 154 किलोमीटर्स एक्चुअली. In the back of my mind there's someone waiting on me, you're just wasting my time because meri halat kafi kharab hai, matlab aise nahi, aise chain khali lag hi nahi rahi hai, kya karu. Yahan se 450 km hai, chai biscuit ke liye ruka hu main, iske aage rukunga petrol ke liye, fir yahan se nikalta hai. साइड में जो आप देख रहे हो ये रिमेन्स हैं शाहगढ़ फोर्ट के, ये धौलपुर है एंड ये चंबल वाला रीजन है, तो सारी मिट्टी ऐसी कटी कटी रहती है यहाँ पे. ये शाहगढ़ फोर्ट करके कहलाता था, अब तो रूंस ही बचे हैं. आप कभी इस रोड से निकले तो ज़रूर रुकेंगे. आज अपन को बहुत लंबा ट्रैवल करना है, इसलिए रास्तों पे रुकना इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब इट इज़ पॉसिबल, बट अगर रुकूंगा तो फिर रात को गाड़ी चलानी पड़ेगी, विच आई रियली डोंट वॉन्ट. नॉन स्टॉप स्ट्रेस टेस्ट में अभी तक तो बिल्कुल खरी उतरी एक्सपल्स. अब देखते हैं कि पूरे 700 किलोमीटर खींचने पे कैसे क्या रिस्पॉन्स देती है. यही तो फ़ायदा है बस एक्सपल्स का, जहाँ रोड बनती देखे बस दो पिक्स पे खड़े हो जाओ, निकल जाएगी गाड़ी. धीमा वीमा होने की ज़रूरत नहीं है अपन को. यहाँ तो क्या ट्रैफिक ही धीमा है, बट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अपन को इससे. ये जो आप साइड में देख रहे हो ना छोटी सी पटरी रेल की, ये एक्चुअल रेल की पटरी है. दिस इज़ द नैरो गेज लाइन दैट वाज यूज्ड इन ग्वालियर
बहुत टाइम तक यूज़ में रही है. आई डोंट नो अभी भी यूज़ में है या नहीं, बट दिस इज़ द नैरो गेज. इतनी छोटी होती है ये. सो वी हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड 400 किलोमीटर्स और अभी बज रहे हैं एक. लगभग पिछले डेढ़ घंटे से मैं लगातार 100 पे खिंचा चला आ रहा था फोर लेन पे 100, एंड दिस बाइक डिडंट बज. एक जगह भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत हो रही है. कंसिस्टेंटली 100 पे खिंचा आया हूँ मैं, मस्त एकदम. बहुत ज़बरदस्त चल रही है बाइक, बहुत ही ज़बरदस्त. 238 किलोमीटर्स टू गो फॉर भोपाल. अमेजिंग वेदर और लिटरली अभी बज रहे हैं 1:53, 51 मिनट. एंड मुझे लग रहा है कि मैं 5 या 5:30 बजे तक अगर ऐसे ही माहौल रहा तो 5:30 बजे तक बहुत मोहब्बत के साथ भोपाल रख दूंगा मैं. कैन यू इमेजिन डूइंग इट ऑन अ 200cc ईजिली क्लॉकिंग 100. मैं तब से चले जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, मतलब घंटों से नॉन स्टॉप चले जा रहा हूँ मैं. क्यों नहीं करी है बाइक ने, एक भी हिकअप तक नहीं आया है. इतनी बढ़िया चल रही है, जस्ट लव इट. सो अब मैं ये घोषित कर सकता हूँ आफ्टर राइडिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स एक्चुअली इन रो. वैसे अपन ने किया है उत्तराखंड से दिल्ली, दैट वॉज 487, बट अभी जिस हिसाब से मैं खींचते आ रहा हूँ ना 120, 100, 120, 100, आई कैन सर्टिफाई दैट यू कैन ईजिली टूर ऑन दिस बाइक. कोई भी दिक्कत नहीं है, यू विल नॉट गेट बोर्ड ऑन हाईवे. ड्यूक पे भी मेरी एवरेज स्पीड 110 या 120 रहती थी, इसमें मैं 100 चल रहा हूँ. मतलब मीटर पे 110 दिखा रहा है, यहाँ एक्चुअल स्पीड इज 105 क्योंकि 5 का मीटर रह रहा है. बट ओवरऑल द फील ऑफ द बाइक इज एक्सट्रीमली गुड. अदर देन दोज लिटिल इंजन वाले वाइब्रेशंस, और कोई रत्ती भर का वाइब्रेशन नहीं है. प्लस रास्ते में यू डोंट हैव टू स्लो डाउन एनीवेयर. मैं कहीं स्लो डाउन नहीं हुआ हूँ. पत्थर आए तो अपन कूद के निकल गए. एंड इट्स वेरी लाइट एंड फ्लिकरी, सो यू कैन ईजिली डू दिस फ्लिकी फ्लिकी. सो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो फिर शेयर द होल सीरीज विद योर फ्रेंड्स एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, टैग करिए, थोड़ा इधर उधर फैलाइए. वी हैव डन अराउंड 500 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव स्टॉप नियर दुनाई हाईवे ट्रीट. यहाँ से बचा हुआ है 228 एक्चुअली. सो आई गेस 3 घंटे एंड अभी बज रहा है 2:30, तो मैं पहुँच जाऊँगा 5:30 या 6 बजे तक भोपाल, विच इज़ गोइंग टू बी सुपर नाइस फॉर सच अ बाइक. मतलब एक्सपल्स के साथ मैं निकला था लगभग 8 बजे दिल्ली से, एंड पूरा 703 किलोमीटर था 8 बजे से लेके अभी हो रहा है 2:30. आई हैव टेकन स्टॉप्स ऑल्सो, मतलब अगर स्टॉप्स को भी ना जोड़े हम तो भी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है हमने. हेज यू आंसर फॉर द हाईवे रिव्यू फॉर द बाइक, येस यू कैन टूर ऑन इट वेरी ईजिली. अगर कोई 500 किलोमीटर कर सकता है 6:30 घंटे में तो फिर क्या नहीं किया जा सकता. दिस इज वॉट ग्लव्स डिड टू माई हैंड. ठंडी हवाएं लहरा के आए, हम इस बारिश में गाड़ी चलाएं. लो भाई, लो जी, लो पानी आ गया. लो जी, सब वाटर प्रूफ है इधर, कोई लोड नहीं है हमें छोड़ के. अब हो ही रही है बारिश तो पहन लिया जावे. I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. अपने जूतों में तालाब बनने वाला है, वो अपन अफोर्ड कर सकते हैं. बाकी everything else is super super good. You're a little bit crazy, it's been days but you never change. What's love got to do with it? He comes around but I'm not that stuck down. Come a little bit closer. भाई तो दोनों ट्रक वालों ने हाथ दे दिया था ऐसे करके, तभी निकला हूँ मैं. Fly, bye bye.
तो भोपाल से 21 किलोमीटर पहले रुक गया हूँ मैं बैटरी चेंज करने के लिए। अमेजिंग रोड्स। अब बस भोपाल की याद आ रही है, भोपाल चलते हैं। मतलब आ गए भोपाल और क्या। 7:30 बजे से चल के 5:30 बजे, मतलब राइट नाउ इट्स 5:30। 10 घंटे में हमने 700 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। 703 किलोमीटर इन 10 आवर्स। मुबारक हो डियर जुमर्स, मुबारक हो। अरे हम तो ठहरे भोपाली, VIP रोड जाएंगे। हम तो ठहरे भोपाली, VIP रोड जाएंगे। VIP रोड जा करके फोल्डुए खिंचाएंगे। हम तो ढेर टणंग टणंग, हम तो ढेर। आहा रे बाप रे, क्या बिल्कुल क्लियर बिजली गिरी है भाई। मतलब हमारा स्वागत ऐसे हो रहा है भोपाल में। Yeah, I can finally start over. Yeah, to all my ladies who got a brother. I know बहुत शोर है, but कुछ इस तरह से वेलकम हुआ है हमारा भोपाल में। जो भी अभी चैनल पे नए जुड़े हैं उनको बता दूं, this is the best thing, this is the best place. See, भोपाल. Bye bye, here's to the memories. Cheers to who used to be. Your friend said that you left me. इससे अच्छा वेलकम क्या हो सकता है यार भोपाल में। तो बारिश हो रही है सॉलिड। मैं तो भाई भीग लिया थोड़ा सा, आई एम सॉरी अगर लेंस पे पानी दिख रहा हो आपको, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हेलमेट में आपको आवाज़ टकर टकर के आ रही होगी। सो 10 घंटे दिल्ली टू भोपाल, वेलकम। इन द बैक ऑफ माय माइंड देयर्स समवन वेटिंग ऑन मी, यू आर जस्ट वेस्टिंग माय टाइम. Because you're scared and lonely, finally got some closure. Yeah. It has been a wonderful, wonderful journey. वापस आ गया हूँ, बाहर बारिश हो रही है, भोपाल में बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ है अपना। एंड एक्सपर्स का डिटेल रिव्यू तो अगले वीडियो में आएगा, बट जिसको भी हाईवे रिव्यू चाहिए था उसके लिए मेरे पास एक वर्ड है, खरीद डालो। वी हैव डन 732 किलोमीटर्स इन 9.5 आवर्स, मतलब 750 किलोमीटर लगभग 9.5 घंटों में करना किसी भी बाइक पे। इट्स वेरी रिलायबल, एक मिनट के लिए भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक ब्रेक डाउन हो गई या ओवर हीट हो रही है। सो इट्स वंडरफुल बाइक। कच्चे में चलाया, पक्के में चलाया, सब कर लिया, खरीद डालो। कहानी ये है कि अब तो वापस आ गए, ट्रिप भी ख़त्म हो गई है। अच्छा तो नहीं लग रहा है ट्रिप ख़त्म करके, बट अच्छा भी लग रहा है कि यार चलो इस ट्रिप से कम वापस तो आए। इस ट्रिप का पूरा ब्रेक डाउन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगले वीडियो में दूँ। एंड ऑल्सो एक्सपल्स का जो रिव्यू है वो आने वाला है बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में। एंड जो ग्लव का रिव्यू बचा हुआ था TPG ग्लव्स का, वो भी अगले कुछ वीडियोस में आने वाला है। अभी बाहर तो कतई नहीं जा सकते, सो राइट नाउ देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी ट्रिप, बट आई एम प्लानिंग अनदर ट्रिप रियली रियली सून। सो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो अगर ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दैट्स द ओनली वे वी हैव थोड़ी सी रीच बढ़ाने के लिए। अगर आप शेयर करेंगे तो उससे होगा कुछ नहीं, पैसे तो लगना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी क्योंकि कॉन्टेंट बहुत मेहनत से बनता है। सो आई होप दिस इज इट फॉर नाउ, अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। अच्छा तो नहीं लग रहा बोलते हुए कि ट्रिप ख़त्म हो गई है अगेन, बट ठीक है, नई कहानी नए रास्ते, अगली कहानी अगले हफ्ते, नहीं अगले हफ्ते तो नहीं, लिटरली तो नहीं, बट या take care and I'd say I'll see you in the next vlog. You'll never see me cry. U-T-L-I, that's how you spell it. Bye bye, bye bye, bye bye.